विवियन जी और अविनाश, ये इन दो से, उनसे ही ये मिलना मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था। अरफीन सर टाइम ऑफ गॉड बने और उन्होंने मुझे, उन तीनों का अलग ही ग्रुप था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है डेली चक्कर। एंड ऑफ कोर्स सलमान खान की फेवरेट मुस्कान, मुस्कान बामने इज विद अस। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये सुन के कि सलमान सर की मैं फेवरेट हूँ, मुझे और ज्यादा अच्छा लग रहा है। जानबूझकर आपको कहते थे कि मुस्कुराते रहो, यू नो वो जो वीकेंड का वार आता था, इवन ही यूज्ड टू फील कि ज्यादा नहीं लोग बात कर रहे हैं, लोग साइडलाइन कर रहे हैं, बुरा लगता था? थोड़ा तो लगता था, एक पॉइंट पे लगने लगा था कि यार कोई बात करने को ही नहीं है, तो मैं थोड़ी बहुत थोड़ी हाँ अपसेट हो जाती थी। किससे उम्मीद थी आपको कि ये बात कर लेगा, ये दोस्त बन जाएगी, पर वो लोग भी नहीं बात कर रहे? मुझे लग रहा था ईशा, बट उन तीनों का अलग ही ग्रुप था। मुझे श्रुतिका भी लग रही थी, बट उनसे भी उतना कनेक्ट नहीं कर पाई। तो या ये दो लोग तो थे ही जिनसे मैं चाहती थी कि हम अच्छे फ्रेंड्स बने, बट नहीं हो पाया। रिग्रेट करते हो बिग बॉस में जाने पर? बिल्कुल नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैं जितनी चुप और शांत होकर घर में गई हूँ, शायद थोड़ा ओपन अप हुई हूँ, और मेरे लिए अच्छा रहा एक्सपीरियंस। जब आप घर के अंदर थे ना मुस्कान, तो हमने इनके अंकल से बात की थी, और मैंने उनसे पूछा था कि कितनी बार रोते हो जब वो अंदर रोती है। मेरे इंटरव्यू में उनकी आंखें भर गई थी। एंड आई हैव सीन अ फादर, अ प्रोटेक्टर, अ मेंटो, जो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, और उनकी आंखों में जो आंसू थे ना, ही वॉज प्राउड बट ही वॉज इमोशनल एट द सेम टाइम। नहीं देख सकता ना कोई भी अपनी बेटी को रोता हुआ, वो भी वो जिसने आपको इतना प्रोटेक्ट, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, आपके बुआ की स्टोरी मुझे पता चली, एंड आई वॉज लाइक क्यों मुस्कान? उस वक्त मुझे मुस्कान पर इतना गुस्सा आया ना कि क्यों चली गई मुस्कान अंदर। तो बाहर आकर कितनी बार रोए? चाचू को गले लगा कर कितने देर तक? मैं तो देखो, घर वाले तो ज़्यादा रोने नहीं देते, तो चाचू ने भी मुझे ज़्यादा नहीं रोने दिया। घर जाते से ही मैं रोने लगी देख के ही, कि यार मुझे ये था कि यार वो भी इस घर में, भले ही वहाँ मैं थी, लेकिन बाहर से जो भी मेहनत है, कपड़े हो गए, ये हो गया, वो हो गया, वो सारी चीज़ें वो मैनेज कर रहे हैं। उन्हें पता है कि कितना मुश्किल है, वो जान सकते हैं कि मेरी बच्ची अंदर कैसी है, और मेरा रोना देख के ये हो के, वो मुझे पता था वो इमोशनल होंगे। तो मैं जब घर भी आ रही थी ना, तो मैं ओवरथिंक कर रही थी यार, कि पता नहीं चाचू कैसा रिएक्ट करेंगे, मतलब वो भी इधर से अपना 100% दे रहे हैं ना, और मैं अंदर सुनती थी कि मैं दिख नहीं रही हूँ, कुछ कर नहीं रही हूँ। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार मेरे लिए सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, और फिर एंड में ये सुनने को मिल रहा है कि मैं दिख नहीं रही हूँ। तो वो सुन के सोच के मैं और खामोश हो गई। रोते हुए देखा है चाचू को कभी? जब मैं आई तब थोड़ा, बट नहीं, उन्हें ऐसे रोते हुए नहीं देखा है मैंने। आपने देखा? इंटरव्यूज पर देखना। I was so, he looked like a, you know, एक बॉडीगार्ड टाइप, पर उनके अंदर ना एक वो सॉफ्ट हार्टेड पिता है। अच्छा टेल मी वन थिंग, विवियन जब बात करने लगा तो क्यों रो पड़े? किसकी याद आ गई जब विवियन ने बच्ची बोला, बेटा बोला, क्यों रोए? मतलब इतने दिन होने के बाद जब आपको कोई बेटा बच्ची और ऐसे बुलाए, आपको एकदम, मुझे एकदम घर वाला फील हुआ, कि यार मुझे लगा कि यार घर का ही कोई बुला रहा है। तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, और कोई भी चीज़, मतलब इतने दिन से मेरे अंदर यही चल रहा था कि दिख नहीं रही हूँ, मतलब ऐसे सब बोल रहे थे कि स्वीट है, अच्छी है, ग्रो कर रही है, लेकिन नॉमिनेशंस में वही रीज़न भी देते थे कि तू चुप रह रही है, ऐसे बोलते हैं कि तू ग्रो कर रही है, लेकिन नॉमिनेशन में बोलते हैं कि वो कर ही नहीं पा रही है। तो वो सुन के ओवर थिंक करके उनको बहुत अजीब लग रहा था। तो वो सब थॉट इमोशंस उस टाइम मेरे दिमाग में चल रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही बुलाया और यू नो बात करना शुरू किया, तो मैं बहुत इमोशनल हो गई।
तो वो सब इमोशंस मेरे ऐसे आंसू में बह गए। और जब सामने से वो और सुनने में आता है ना कि तू क्यों रो रही है, क्यों इमोशनल है, क्यों उदास है, तो वो और मेरे दिमाग में चला गया था। तो या काफ़ी इमोशनल, यस, बट काफ़ी सीखा भी। क्या अविनाश सच में डेविल है बिग बॉस के घर का? मुझे लगता है सिचुएशंस ने उन्हें बना दिया है, क्योंकि मतलब वहाँ पे लोग बहुत क्लियर है, यू नो, कि वो गेम खेलने आए हैं और सब एक ना एक पॉइंट में सब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। भले ही वो साथ में उठते बैठते हैं, बातचीत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सब क्लियर है कि हम जीतने आए हैं और हमें जीतना है। तो उस हिसाब से भी अंदर बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। अगर मैं कहूँ कि मुस्कान को किसी ने धोखा दिया बिग बॉस के घर में, कौन है? धोखा धोखा तो नहीं कहेंगे, बट मुझे लगता है एक जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई थी वो जब अरफीन सर टाइम ऑफ गॉड बने और उन्होंने मुझे नॉमिनेट कर दिया, मतलब जो अभी भी जो मैं एलिमिनेट घर से बाहर आई हूँ, तब भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो गेट आउट वाला स्टिकर मेरे मुझे देंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्योंकि वही थे जो मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, तो उनसे ही ये मिलना मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था। हमारे पास वक्त कम है क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन लगता है कि ये घर में जाएगा, और अगर आपको दूसरी बार वापस मौका दिया गया वापस घर में जाने का, तो आप किससे जाकर कैसा बॉन्ड बनाओगे? मुझे लगता है कि विवियन जी और अविनाश, ये इन दो से मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा बन सकता है और ज़्यादा अच्छा। जिस तरह से अविनाश ने अभी श्रुतिका पर बात की, या चाहत को जिस तरह से वो ह्यूमिलिएट करने लगे, वो बाल्टी पानी फेंकने के इंसिडेंट, और फिर जिस तरह से पहले भी रेस किया गया था कि लड़कियां सेफ नहीं है, उसके बाद भी और सही कि आप अविनाश के साथ बॉन्ड बनाओगे? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है वो चीज़ें जो भी हुई वो इन द हीट ऑफ मोमेंट हुई, जो भी चीज़ें हो रही थी वो सब गर्मा गर्मी में, और यू नो सबके ईगो क्लैशेस हो रहे थे, मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं करूँगा, ये वो चीज़ें, तो मुझे लगता है वो सिचुएशन के हिसाब से हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो जेन्युइनली या असल में ऐसे हैं कि वो औरतों को डिसरिस्पेक्ट करें या कुछ, पर वो सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगता है उन्हें ऐसा लगा कि ये बोलना ये करना सही होगा, बट आई डोंट थिंक कि वो ऐसे हैं। हाय, मैं मुस्कान बामनी और आप मुझे देख रहे हैं टेली चक्कर पर।